हेलो फ्रेंड्स, आस्था की रसोई में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बिल्कुल नए अलग और बिल्कुल आसान तरीके से मछली के छाटन की बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मछली का छाटन लिया है। इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। यह मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे लगभग 50 ग्राम सरसों का तेल। तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को थोड़ी देर चटकने देंगे। थोड़ी देर बाद इसी में हम डालेंगे दो बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को डालकर इसको हम चलाते हुए थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर बाद इसी में हम डालेंगे तीन कटी हुई हरी मिर्च और आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सारी चीज़ों को डालकर इसको हम चलाते हुए इसका कच्चा बन जाने तक अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इसी में डालेंगे दो मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को भी डालकर इसको थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच मीट मसाला। सारे मसालों को डालकर हम मसालों को थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इसमें से तेल निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालकर इसको हम चलाएंगे। अच्छे से चलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब हम इसी में डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम एक उबाल आने तक मसालों को पकाएंगे। मसालों में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसी में डालेंगे मछली का छाटन। मछली का छाटन डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम खुला ही 3 से 4 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हो चुका है, अब हम इसको चलाएंगे। मछली का छाटन हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। धनिया को डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मछली का छाटन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी मछली का छाटन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं यह देखने में ही कितना बढ़िया और लाजवाब है, खाने में तो और भी टेस्टी है। आप इसे रोटी चावल पराठा किसी के भी साथ बहुत ही स्वाद से खा सकते हैं। आपको मेरी यह मछली का छाटन बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।